नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न। दोस्तों, मैंने कई वीडियो में इस चीज की जानकारी आपको दे रखी है कि जो हमारा शरीर है, जो मानव शरीर है, ये पूरे ब्रह्मांड का एक बीज है। यदि आप शास्त्र पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छे से इस चीज का पता चल जाएगा। जैसे एक छोटा सा बीज, उसके अंदर पूरा पेड़ छुपा होता है। हमको ये संरचना तब दिखाई देती है जब हम उस बीज को मिट्टी में डालते हैं, और मिट्टी जब एक पेड़ के रूप में बाहर आती है ना? ऐसे ही मानव का जो शरीर है, इसके एक एक अंग में, इस यूनिवर्स में जितनी चीजें हैं, उन चीजों का वास है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में पड़ी हुई है। शरीर के अमुक हिस्सों पर अमुक चीजें लगाने से, शरीर के अमुक हिस्सों को अमुक दिन घिसने से, शरीर के अमुक हिस्सों पर दोस्तों अमुक मंत्रों का जाप सिद्ध करने से वो शक्तियां तुरंत जागृत होती हैं। अभी नवरात्रि चल रही है, आप दुर्गा सप्तशती कर रहे होंगे। दुर्गा सप्तशती में जो कवच कर रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि शरीर के किस किस अंग में माँ दुर्गा की कौन कौन सी शक्ति का वास है। शरीर का कोई अंग ऐसा है ही नहीं जहाँ शक्तियों का वास नहीं है, है ना? आज आपको एक ऐसी ही जगह बताने के लिए जा रही हूं। इस जगह यदि आप इस कर्म को करते रहे जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूं, आपकी किस्मत चमकेगी और चमकेगी, आपकी हर इच्छा पूरी होगी और होगी। नेगेटिविटी आपके शरीर से, आपके जीवन से जाएगी और जाएगी। जानकारी अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। दोस्तों आप देखना, व्यक्ति का जो बॉडी है, उसका जो फिगर है, उसके हाथ पैर शकल, दांतों का चौकठा, आंखों की बनावट, उंगलियों की डिजाइन, लंबाई चौड़ाई, सब कुछ ए टू जेड चीजें आपके पूरे व्यक्तित्व की कहानी कहती है। आपका पूरा व्यक्तित्व बयां कर देती है कि ये इंसान बाहर से कुछ भी दिख रहा है, लेकिन अंदर से ये इंसान ऐसा ही है। आप देखना दोस्तों, ज्यादा लोग आप जो ठग होंगे, वैसे तो ढेरों हैं, लेकिन ये मेरा इस वीडियो पर ये मेरा विषय नहीं बताने का, लेकिन याद आ गया अचानक मैंने, क्योंकि ऐसे ठग लोग देखे जिन्होंने, मैंने एक ऐसी लेडीज देखी जिसने कितने ही लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना मीठा बोलती है, किसी को भी उल्लू बना लेना, किसी को भी अपना गुलाम बना लेना, और गलत तरीके से लोगों की जिंदगी पर राज करना, वो अंदर से ठग है। उसकी सबसे बड़ी निशानी थी ये जो उंगलियां हैं आपकी, आप देखो यहां तक, आप कितना भी टाइट करो यहां तक जाएगी। कुछ लोगों की उंगलियां बिल्कुल ऐसे यहां से टेढ़ी हो जाएंगी, जरा ऐसे किया उंगली यहां से बिल्कुल उल्टी दिशा में। ऐसे लोग दोस्तों जबरदस्त अंदर से ही ठग होते हैं। हाँ, कुछ लोग अच्छे लोगों के साथ बैठ करके, उनके अंदर यदि कोई अच्छा ज्ञान आ गया, कोई पूजा पाठ ऐसी की और किसी देवी देवता की उनके ऊपर कृपा बरस गई, तो शायद वो कुछ सुधर भी जाए। अन्यथा ऐसे लोग आप जब भी देखो ऐसे हाथ, हमेशा सावधान रहो, क्योंकि उसकी जबान ऐसी होगी कि वो आपसे कोई भी चीज ऐंठ लेगा। ऐसे लोग हमेशा अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर जाते हैं। जिन लोगों के पैर आप देखना, पैरों की बनावट गंदी है, पैर बिल्कुल ऐसे सूप जैसे फैले हुए हैं, पैरों की एड़ी कटी फटी है, हमेशा ये निर्धन रहते हैं। इनके अंदर ये बताएंगे जरूर कि इन्हें दया है किसी के लिए, पर अंदर से इनके लिए, इनके अंदर किसी के लिए दया नहीं होती है। हर व्यक्ति का सिर्फ ये अपने फायदे में यूज करते हैं, इवन अपनी संतानों का भी ये यूज कर लेते हैं। संतानों को भी ये वही बताएंगे जो ये किसी के साथ करना चाहते हैं, जो खुद नहीं कर पाए हैं वो संतान जाकर कर ले। यहां तक ये संतानों तक का यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुनिया का अपने संतानों का यूज नहीं करता, लेकिन जो इस प्रकृति के होंगे वो संतानों का भी यूज कर लेंगे।
आपके पैर जितने सॉफ्ट हैं, कोमल हैं, सुंदर हैं, आप भले मुंह से कितना भी कड़क बोल रहे हैं लेकिन आप अंदर से सॉफ्ट होंगे। किसी के भी प्रति आपको दया आ जाएगी। आप किसी का बुरा नहीं करेंगे। कितनी बार आप बोल भी देंगे लेकिन जब करने का समय आएगा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा साथ नहीं दे रही होगी। तो ये जो आपका बॉडी फिगर है बहुत कुछ आपके बारे में कह देता है, बहुत कुछ। जिन लोगों को ज्ञान है दोस्तों, उनके सामने व्यक्ति आकर के चला जाए उसके बारे में सब कुछ जान जाते हैं, है? तो आज दोस्तों आपको स्पेशली बताना चाह रही हूं कि जो आपकी एड़ी है, पैर की एड़ी, वो आपके पूरे व्यक्तित्व का आधार स्तंभ है। एड़ी आप आपकी कैसी है, गोल है, लंबी है, किस टाइप की है, इसका पूरा असर आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ता है। आपकी एड़ी सॉफ्ट है, गुलाबी है, बहुत अच्छा है, एड़ी बिल्कुल कटी फटी है, चौड़ी है, फैली हुई है, टाइट है, आपका नेचर वैसा ही बन जाएगा, बिल्कुल फटे हाल, कहीं पर भी किसी से भी कुछ भी ले लेने की वृत्ति, देना उनके अंदर कभी नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले दोस्तों, यदि आप अपने व्यक्तित्व को सुधारना चाहते हैं, अपनी एड़ी को हमेशा साफ रखें, स्वच्छ रखें, उसमें तेल लोशन लगा करके रखें, उसकी मालिश करके रखें, हमेशा पैरों को स्वच्छ रखें। आपने देखा होगा माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि के पैर दबाती रहती हैं और उनके पैर के पंजों में कहीं मिट्टी ना लग जाए इसलिए उसे साफ करती रहती हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि यदि भगवान श्री हरि के पंजे में कहीं मिट्टी लग गई, धूल लग गई, तो तुरंत ही लक्ष्मी की बहन दरिद्रता, गरीबी उनके घर में प्रवेश कर जाएगी और भगवान श्री हरि को उनसे छीन लेगी। जहां पर भी धन है, दौलत है, माता लक्ष्मी का वास है, वहां पर दोस्तों गरीबी हमेशा बाहर बैठकर इंतजार करती है कि कब इस घर के मेंबर कुछ गलती करें और मैं अंदर घुसूं। आप देखना जिनके पास थोड़ा सा भी पैसा आया, पावर आया, उनके चापलूस बहुत आ जाते हैं और ये वही चमचे होते हैं, चापलूस होते हैं जो उन्हें बर्बाद करके छोड़ देते हैं। उन्हीं के बताए रास्ते पर अच्छे लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता है और उसके बाद वो बर्बाद हो जाते हैं, है ना? तो बर्बादी आप तक ना पहुंचे इसके लिए सावधानी बहुत जरूरी है। पांव की जो एड़ी है, यूं तो पूरे पंजे को ही दोस्तों स्वच्छ रखना चाहिए, लेकिन एड़ी को हमेशा एकदम स्वच्छ रखें। एड़ी की जो नस है वो आपके पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक फैली हुई है। जो चीज आप यहाँ अप्लाई करेंगे पूरी बॉडी पर उसकी असर होती है। दोस्तों गुरुवार के दिन, दिन में या रात को सोते समय आप थोड़ी सी पीली सरसों लें, उसमें सरसों का तेल डालें, पीली सरसों लें और उसमें सरसों का ही आपको तेल मिलाना है, दोनों चीज को मिक्स करना है, ठीक है? मिक्स करके आप अपनी पैर की एड़ी पर, जहां पर जहां से महावर लगती है, मेहंदी लगाते हैं आप, जहां से पैरों को सजाना शुरू करते हैं, जहां से मतलब एड़ी का वाइटिस चमड़ी शुरू होती है, वहां से लेकर के एड़ी में नीचे तक बराबर आप सरसों के तेल में मिली हुई पीली सरसों को अच्छे से घिसे, अच्छे से घिसे, घिस घिस करके उसको गिराए, दोनों ही पैरों में आप इस क्रिया को करें, ठीक है? ज्यादा नहीं, 2 मिनट आप इस क्रिया को करें। उसके बाद में जो सरसों आपके शरीर से एड़ी से घिस घिस कर, रगड़ कर जो आपने गिराई है, उसको आप एक कागज में ले, उसकी पुड़िया बना ले और अपने ऊपर से उसको 7 बार उवार ले। उवार करके आप उसको घर के बाहर रख करके जला दें। दोस्तों ये छोटा सा उपाय, यदि आप गुरुवार गुरुवार करना आपने शुरू कर दिया, आपकी लाइफ से तमाम प्रकार के झंझट दूर हो जाएगी, धन और धर्म दोनों ही आपके पास आने लग जाएंगे। आपकी जो लोग की सच में मतलब बहुत ही खराब एड़ियां हैं, वो लोग भी यदि इस उपाय को करना शुरू कर देंगे तो उनकी लाइफ में भी काफी फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि मैंने ये ज्यादातर देखा है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं सत्संग उनके अंदर जाता ही नहीं है, लेकिन यदि वो ऐसे, क्योंकि ज्यादातर ऐसे ऐसे जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं वो लोग टोने टोटके और मेले विद्याओं से भी जुड़े हुए होते हैं,
तो यदि आप इन चीजों से सच में अपने आप को बचाना चाहते हैं, छोटी मोटी लालच दूर कर दो, सही रास्ते पर यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस उपाय को करें। और जिनकी एड़ियां ऑलरेडी बहुत अच्छी हैं, यदि वो इस उपाय को करेंगे तो उनकी किस्मत और भी ज्यादा चमकेगी। हो सकता है दोस्तों रातों रात आपकी किस्मत चमके। उपाय को आप करना तो शुरू करें, करते रहें और खुश रहें। जय श्री कृष्ण।